तो हेलो फ्रेंड्स, आ चुके आज हम अपने को नए शानदार धमाकेदार कॉन्करर रैंक पुश गेम प्ले के साथ। तो यहाँ पे देखो, हम कूद रहे थे पोचिंग के पे, मतलब कि पोचिंग की है तो भाई कैंपर तो है ही, लेकिन कैंपर से आज देखो क्या ही बचते, मतलब कि आते ही नहीं है, तो ऐसे बोल रहा था। मतलब कि तुम देखो आज कैसे हम सबको मारते, किसी को कैंप ही नहीं करने देंगे, उससे पहले उड़ा देंगे सबको। तो यहाँ से पहले मैं गन उठाता हूँ और सामने के घर में होता है बंदा। तो यहाँ पे फ्री फायर में थोड़ा सा तो डैमेज दे ही देते हैं। तो यहाँ पे अभी देखो मेरे को मोली मिलता है तो मोली डाल देता हूँ सामने के कमरे में। तो बंदा मेरे को लगा यहाँ से बाहर निकलेगा, लेकिन साला बाहर ही नहीं निकलता, वहीं पे बैठा रहता है। तो यहाँ पे तब भी अपना बंदा करता है अभी एक बंदे को नॉकआउट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं सीधे उसके ऊपर को। तो यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज दे दिया था। तो यहाँ पे देखो अभी नॉकआउट किया तो एक ही बंदा अभी बचा था, तो उसको भी अपना बंदा भाई मार देता है। तो यहाँ पे भाई ये दोनों के तो किल आसानी से उसको मिल जाते, मेरे को लगा एक किल मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, किल नहीं मिलेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे बोट आता है तो साला उसको भी मार देता है रे। तो यहाँ पे किल तो चाहिए नहीं हमको भाई, चिकन चाहिए, क्योंकि किल कितने भी होगी और चिकन नहीं होगा तो अच्छे खासे प्लस तो मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ पे मैं हो जाता हूँ नॉकआउट और मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक नंबर को कि भाई तू निकल जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा मेरी वजह से। और देखो वो क्या बोलता है, जान से भी प्यारी तुम्हारी दोस्ती तो हमेशा होगी, खुशी खुशी कुर्बान हो जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो अपना बंदा भाई क्या रिस्क लेके अपन को बचा के लेके आता है। तो इसके लिए भाई एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है अपने बंदे के लिए। तो यहाँ पे भाई हम हो जाते हैं अभी रिवाइव। तो रिवाइव होते देखो क्या होता है, सामने के घर में होता है एक बंदा, मतलब कि दोनों होते और एक बंदा नॉकआउट देता है अपना बंदा, तो वो दूसरा बंदा होता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ एक को नॉकआउट और यहाँ पे दूसरा भी दिखता है तो उसको भी कर देता हूँ नॉकआउट। तो मेरे बंदे ने जिसको नॉकआउट किया था वो दूसरा होता है, मेरे को लगा इसमें से किसी को किया होगा, लेकिन यह नहीं होता। तो यहाँ पे भाई हमको आसानी से दो किल तो मिल जाते, लेकिन अभी देखते देखते देखो क्या होता है। यहाँ पे भाई थोड़ी देर जैसे ही रुकते कि अपना बंदा नॉकआउट हो जाता है। तो यहाँ पे भाई अभी हमको उसको बचाने जाना ही था, भले हम मर जाए, क्योंकि भाई उसने हमको बचाया था जहाँ पे हम नहीं बच सकते थे वहाँ से। तो यहाँ पे अभी हम जाते हैं इसको बचाने के लिए। देखो तो सामने से दो बंदे कर देते हैं हम पे पुश। तो यहाँ पे अभी क्या होता है, एक को करता हूँ नॉकआउट और ये मोली कहाँ से आ जाती है मालूम ही नहीं चला। और भाई देखो जरा सा डैमेज की वजह से मैं हो जाता हूँ नॉकआउट, थोड़ी सी ज्यादा होती ना, मतलब कि बूस्टर जो दो लगाए हुए होते तो भी शायद बच जाता मैं, पूरा बूस्टर होता तो भी बच जाता, लेकिन जो भी हुआ यहाँ पे नॉकआउट दोनों हो जाते और दोनों खत्म हो जाते। तो अब भी आते हम दोनों एक बार और साथ में। तो यहाँ पे सामने के घर में होता है बंदा, तो अभी देखो वो करता है मेरे पे ग्रेनेड। तो यहाँ पे कैसे डैमेज हुआ मालूम नहीं लगा भाई, लेकिन जो भी हुआ भले हुआ। यहाँ पे करता हूँ अभी मैं फिलहाल तो हीलिंग। तो यहाँ पे एक बंदे को किया था अपने बंदे ने नॉकआउट, लेकिन मैं बोलता हूँ पुश मत कर, क्योंकि भाई सभी साइड अभी यहाँ पे इतने बंदे थे कि क्या बताऊँ। तो यहाँ पे अभी मैं उसके ऊपर करता हूँ ग्रेनेड और देखो क्या होता है। तो यहाँ पे एक बंदा हो जाता है नॉकआउट। यहाँ पे मेरे को मालूम था कि वहीं से वो निकलेगा और भाई, लेकिन मार नहीं पाते। तो यहाँ पे अभी देखो वो बंदा उसको करता है रिवाइव। तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ दूसरा ग्रेनेड भी कर ही देता हूँ। तो यहाँ पे भाई इजी वोड हुआ तो खत्म हो जाती है और यहाँ पे भाई दो किल हमको मिल जाते हैं आसानी से। तो यहाँ पे भाई और दो डुओ थी, मतलब कि एक साइड सिंगल प्लेयर था और पास वाले घर में डुओ थी। तो यहाँ पे देखो सामने के साइड से वो बंदा निकल के जाता है घरों के पास। यहाँ पे क्या होता है भाई, उसको गोली ही नहीं लगती। तो यहाँ पे बंदा भाई बिना डैमेज खाया चला गया है इतना ओपन से, समझ नहीं आया क्या हुआ इस बार। और मेरा बंदा उस साइड चला गया था, मेरे को मालूम नहीं था। तो यहाँ पे अभी उसको बचाना तो था ही। तो यहाँ पे देखो मैं देता हूँ यहाँ से उसको कवर।
तो यहाँ पे बंदे को मैंने भाई 3 AKM की गोलियां लगाई थी, मतलब कि काफी डैमेज तो हो ही गया होगा। तो यहाँ पे देखो उस बंदे को भी यहाँ पे खत्म करते, और सामने के घर में होते 2 बंदे। तो यहाँ पे अपना बंदा बोलता है कि भाई मैं करता हूँ ग्रेनेड। तो मैं बोलता हूँ कि भाई रुक जाओ, वो बंदा इस साइड आ गया और दूसरे का मालूम नहीं था कहाँ पे है मेरे को। और देखो अपना बंदा करता है ग्रेनेड, तो ग्रेनेड में बंदा फट जाता है। तो देखो अभी क्या करते, जैसे भाई बम में बंदा फटता है तो यहाँ पे हम कर देते हैं सीधा ही पुश। तो यहाँ पे तब तक वेट करते हैं, क्योंकि भाई ऐसे ही पुश करते तो हमको वो पुश करा देते। तो यहाँ पे जैसे ग्रेनेड में बंदा फटा कि देखो अभी हम चले जाते हैं आगे। तो यहाँ पे अपना बंदा ऊपर कर देता है मोली, लेकिन बंदा बैठा होता है सीढ़ी पे। तो यहाँ पे भाई एडुओ को भी इजी खत्म कर देते। एडुओ तो भाई यूजी लेके ही बैठे थे दोनों, शायद एक ही यूजी लेके बैठा था, नहीं दोनों यूजी लेके बैठे थे, एक के भी पास अच्छी लूट नहीं थी। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि जोन जब तक छोटा नहीं हो जाता कि तब भी दूर से भाई फायर आता आ ही रहा था। तो मेरे को मालूम लग गया कि गाड़ी में फाइट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही बग्गी का टायर पंचर होता है कि भाई उसका भी पंचर कर देते हम यहाँ पीछे से, क्योंकि भाई वो मेरे को मालूम नहीं ऐसे लगा, क्योंकि भाई साउंड धीरे 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 बढ़ रहा था, मतलब कि बंदे स्पीड से पास में आ रहे थे। तो यहाँ पे देखो ये जो किल हुआ है ना, खतरनाक हुआ है। हम गाड़ी लेके जा रहे होते हो और आगे भी एक बंदा जा रहा होता है। तो यहाँ पे बंदे ने भाई जैसे ही एग्जिट मारा कि गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा देता हूँ, अच्छी गन होती तो वो मेरे को भाई गाड़ी से नीचे उतर देता। देखो कि यही मारा था उसने भी। तो यहाँ पे भी हम रोकते नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी बंदे होते, तो हमने सोचा ये टावर ही ले लेते, वो टावर तो अभी यहाँ पे हम रुक जाते। तो यहाँ पे अभी देखो क्या होता है लास्ट में, यहाँ पे अभी हमको भाई निकलना होता है जोन में। तो हमको मालूम नहीं था कि भाई क्या है, जितनी सेकंड थी हमने सोचा कि भाई गाड़ी है लेके निकल जाएंगे, और सामने की साइड भी बंदे होते तो यहाँ पे पहले हम निकलते नहीं। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे किया एक स्मोक गाड़ी के ऊपर, और अपना बंदा भी करता है गाड़ी के ऊपर एक और स्मोक। तो यहाँ पे क्या होता है तुम देखो, 2 स्मोक तो यहाँ पे भाई ऐसे ही चले गए, और गाड़ी में फ्यूल ही नहीं था। तो अभी जोन में निकलना था, मतलब कि मेरे को तो लगा अभी पेटी बनी गई है। तो यहाँ पे भाई मैं पूरा पैनिक हो गया था, क्या करूँ क्या नहीं। तो यहाँ पे अभी एक स्मोक होता है तो मैं करता हूँ आगे, और अपने बंदे के पास होता है तो वो भी करते दादाई आगे की साइड स्मोक। तो अभी हम यहाँ से तो निकल जाते, और देखो क्या होता है ऐसे आगे जा रहे होते कि तब भी भाई राइट में जो बंदा होता है ना मेल्टा पावर पे, वो आ जाता है गाड़ी लेके, और जो उसने हीरो की तरह एंट्री मारी है ना भाई, ये फॉरेस्ट था इसलिए बच जाता है वो। तो यहाँ पे ये बंदा तो भाई निकल जाता है, मेरे पास भाई एक कैम में एमओ ही नहीं बची। देखो यहाँ पे 9 AMO, और सामने अभी मेरे को दिखते पूरा ओपन पे 2 बंदे। तो यहाँ पे एक बंदा तो हमको पहचानता था, लेकिन भाई अभी लास्ट जोन था, वैसे भी उसको कोई और मार देता है, इस वजह से हम उसको मार देते हैं, और यहाँ पे हमको भी वो कोई और मार देता है। और यहाँ पे भाई हैशटैग 3 मिलता है और साथ ही प्लस मिलता है। देखो